요 한 번 섬대다. जगता विधाता तू ही मन का दर्पण, तेरे बिना जग है अधूरा, तुझको हो ये जीवन अर्पण अर्पण। वक्रतुंड भोर की इस वेला में 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर ये समय है भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण का। अर्पण के सभी श्रोताओं को पूजा का अभिवादन और महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम और आप एक साथ मिलकर उस परम शक्ति की आराधना करें, उपासना करें। सत्यम शिवम सुंदरम कण कण में है भगवान, सत्यम शिवम सुंदरम कण कण में है भगवान। मुझे आज मिला ये ज्ञान, कोई नहीं ईश्वर के समान। मुझे आज मिला समान दैवम, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम कण कण में है भगवान, भगवान सत्यम शिवम सुंदरम कण कण में है भगवान। विष्णु पाले शिव संहार का भार संभाले, शिव संहार
प्रमाण जिन्हें प्रभु की नहीं पहचान ढूंढे वही मूर्ख प्रमाण दैवम सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम कण में है भगवान भगवान सत्यम शिवम सुंदरम कण कण में है भगवान गमर सनी धनी सरे निपमरे सनी सरे मप जब हम बरसे बरखा बरसे सबके प्यास बुझाए रवि शशि तारे देव उजियारे सब में ज्योत जगाए धरती को हरी चूनर ओढ़ाए रंग बिरंगे फूल खिलाए रंग बिरंगे फूल खिलाए सबको बांटे मुस्कान दिन रात करे बस दान सबको बांटे मुस्कान दिन रात करे बस दान दैवम सत्यम शिवम सुंदरम भगवान सत्यम शिवम सुंदरम कण कण में है भगवान साथियों आज शुक्रवार है शक संवत 1945 के फागुन मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि तदनुसार दिनांक 8 मार्च सन 2024 समय हुआ है 6:18 और 8 सेकेंड 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण और भक्ति और श्रद्धा से जब हम प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं तो फिर ये कहना तो बनता है कि राम नाम की छाई मस्ती ऐसी लगन लगाए राम नाम की छाई मस्ती ऐसी लगन लगाए रोम रोम ले राम नाम एक पल भी न जाने पाए राम श्याम जी के हीरे मोती हो राम श्याम जी के हीरे मोती झोली में भर ले राम श्याम जी के हीरे मोती झोली में भर ले राम भजन कर ले रे मनुआ श्याम भजन कर ले Thank you.
मिला भाग्य से क्यों तू समझ नहीं पाता है, क्यों तू समझ नहीं पाता है। ओ काम क्रोध मद लोभ मोह वश दुष्कर्मों में फंस जाता है, सदाचार में ढलकर प्यारे हो, सदाचार में ढलकर प्यारे भवसागर तर ले, सदाचार में ढलकर प्यारे भवसागर तर ले, राम भजन कर ले रे मनुआ, श्याम भजन कर ले कर ले। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आज देश भर रहा है विकसित भारत की मंजिल की ओर ऊंची उड़ान, हर क्षेत्र में हो रहा है राष्ट्र निर्माण, मिल रहा है तेजी से करदाताओं की बढ़ती संख्या का साथ, सबके प्रयास से ही तो हो रहा है पूरे देश का विकास, तो इस विकास में जरूरी है आपकी भी भागीदारी। अपने एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च 2024 या उससे पहले अवश्य जमा करें और समय पर अपने अग्रिम कर का भुगतान कर निभाएं अपनी जिम्मेदारी। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। चलते हैं कान्हा की नगरी ब्रिज आकाशवाणी के साथ, हर सुबह 7:10 पर सुनना न भूलें मोहे ब्रिज बिसरत राय। MHz यानी आकाशवाणी गोल्ड पर। मोही ब्रज बिसरत नाही। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। बजकर 24:09 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण और आज आपके साथ हूं मैं पूजा। साथियों, ईश्वर की भक्ति में सज्ज हर वक्त हर भक्त जब उसे खोजने के मार्ग पर अपने अंदर झांक कर अंतर यात्रा प्रारंभ करता है तो उसकी मनस्थिति शायद इस श्लोक के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं कि रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरण, नरो न लिप्यते पापः भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति। अर्थात राम राम भद्र या रामचंद्र ऐसा स्मरण करते हुए मनुष्य पाप में कभी लिप्त नहीं होता, अपितु ऐसा करने पर वो समृद्धि तथा मुक्ति प्राप्त करता है। कहाँ मैं ढूंढू राम, तुम मन में बसे हो राम, कहाँ मैं ढूंढू राम, तुम मन में बसे हो राम, मन में बसे हो राम, जीवन में बसे हो राम, मन में बसे हो राम, जीवन में बसे हो राम, मेरे तन के रोम रोम में तुम ही बसे हो राम।
राम जय जय राम सिया राम राम सिया 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 राम जय जय राम सिया राम जल और नील गगन में शीतल वायु थे जगन में धरती जल और नील गगन में शीतल वायु तेज अगन में तेरा रूप दिखे कण कण में तेरा रूप दिखे कण कण में सर्वव्यापी भगवान जड़ चेतन में काया में तुम सृष्टि में तुम माया में तुम जड़ चेतन में काया में तुम जहाँ देख मैं वहाँ तुम ही हो जहाँ देख मैं वहाँ तुम ही हो जनमन वासी राम कर देखा मन में कर देखा मन में वहाँ मिले तुम ही राम मन में बसे हो राम जीवन में बसे हो के रोम रोम में तुम ही बसे हो राम। समय मिलाइए 6:28 हो गए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम जगत गुरु आदि शंकराचार्य। ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है सर्वेंट्स ऑफ शंकर फाउंडेशन ऋषिकेश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जगत गुरु शंकराचार्य। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूलमते ओ नदी हूँ, मेरा स्वभाव है बहना, यहाँ वहाँ और न जाने कहाँ कहाँ बहती रहती हूँ, बिल्कुल जीवन की तरह निरंतर अहर्निश अविरल जीवन के तमाम रूप, संस्कृतियों के उत्थान पतन, इतिहास के उतार चढ़ाव, इन सब का साक्षी रहा है मेरा प्रवाह।
मेरी कलकल ध्वनि के प्रभाव में भाषाओं के अनेक स्वरूप मेरे किनारे पनपे और विकसित हुए हैं। मैं साक्षी रही हूँ काल के प्रवाह की। मैंने राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के उत्थान पतन के दृश्य स्वयं देखे हैं और इन दृश्यों की पृष्ठभूमि में खड़े अनेक महापुरुष भी। उनके चरणों में मैंने अपनी लहरों से अर्घ्य भी दिया है। उत्तर भारत में जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा और सरयू मेरे नाम है, तो दक्षिण भारत में गोदावरी, पेन्नार, पलार, कावेरी और पूर्णा भी मेरे ही नाम है। सुनो पूर्णा जी, सुना है तुम्हारा रंग अब काला पड़ गया है। हाँ, एक समय था जब मेरा रंग पूर्णिमा की चांदनी की तरह हुआ करता था, एकदम धवल, निर्मल, स्वच्छ, पारदर्शी। तो इसीलिए तब तुम्हारा नाम पूर्णिमा रहा होगा। जी हाँ, लेकिन अब मेरा नाम पेरियार है। ऐसा क्यों हुआ पूर्णा? काल के प्रवाह में बहुत कुछ ऐसा घटा कि उसके प्रवाह ने मुझे भी प्रभावित किया और मेरे नाम को भी। अब मुझे पेरियार के नाम से ही जाना जाता है। खैर छोड़िए। संभवतः तुम्हारे जल में ही नहाते समय 8 वर्ष की आयु के आदि शंकराचार्य का पांव मगरमच्छ ने पकड़ लिया था ना? हाँ, वो एक ऐसी दैवीय घटना थी जिसने आगे चलकर भारत के सांस्कृतिक इतिहास और आध्यात्म की दिशा और दशा दोनों को ही बदल दिया। वो देखो, सामने जो पति पत्नी स्नान करके किनारे की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखते थे उस बालक के माता पिता। शिवगुरु और आर्यम्मा दोनों शिव भक्त थे। स्वामी। कहो आर्यम्मा। भगवान सदाशिव का आशीर्वाद मिलेगा ना हमको? पूर्ण विश्वास रखोगी तो अवश्य मिलेगा। सदाशिव बहुत कृपालु हैं आर्यम्बे, वे हमारे तप से अवश्य प्रसन्न होंगे। अब जल्दी चलो, पूजा का समय निकला जा रहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारियल और कदली वनों से घिरे कोची शहर से थोड़ी ही दूर था शिवगुरु और आर्यम्बा का गांव कालडी। नंबूदरी ब्राह्मणों का गांव था कालडी। दोनों पति पत्नी वहीं रहकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रहते थे। संतान कोई थी नहीं। ऐसे ही एक दिन जब वे दोनों भगवान की आराधना कर रहे थे, तभी आर्यम्बा को आभास हुआ मानो भगवान सदाशिव स्वयं उसे आश्वस्त कर रहे हो। हे देवी आर्यम्बे, तुम्हारी कोख से जो भी जन्म लेगा वो मेरी ही तरह महाज्ञानी होगा। उसके ज्ञान का प्रकाश प्रभात के सूर्य की तरह चारों दिशाओं में फैलेगा। ज्ञानी जन ज्ञान का सूर्य मानकर उसे प्रणाम करेंगे। और भगवान शिव की भविष्यवाणी के अनुसार समय पर शिवगुरु और आर्यम्बा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब क्योंकि यह भगवान शंकर का वरदान था, सो पुत्र का नाम रखा गया शंकर। वो ईस्वी का 728 साल था। शंकर के जन्म के समय देश का सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक वातावरण कैसा था, इसके बारे में आपको बता रहे हैं महामंडलेश्वर अभिषेक चैतन्य गिरी जी। धर्म कर्म करने की ऐसी अद्भुत विधि है कि जिससे व्यक्ति अपने आप को उन्नत करके आखिरकार मोक्ष पुरुषार्थ को भी सिद्ध कर सकता है।
धर्म की अद्भुत विधि को भी विकृत कर देने वाला मनुष्य का भोगवाद और स्वार्थ कारणीभूत होता है। अतः ईश्वर इस धर्म को पुनस्थापित करने के लिए अवतार धारण करता है। विवेकहीन स्वार्थी मनुष्य और भोग परायण समाज, दरिद्रता में पनप रहे तड़प रहे लोग, इस प्रकार ऐसे समाज में वेदों की ध्वनि, विवेक की पुकार, प्रेम की गुहार सब घोर अंधकार में खो जाते हैं। यही परिस्थिति थी मध्ययुगीन भारत में। किप्रा, धर्म के नाम पर अधर्म ही पनप रहा था। वैदिक धर्म लुप्त प्राय ही हो गया था। तत्कालीन समाज का ऐतिहासिक घटनाओं की अपेक्षा सार्वकालीन अधपतन का स्वरूप कैसा होता है, ये विशेष मार्मिक बात होगी। शंकर, सुंदर एवं सौम्य, कांतिमान चेहरा, तेज तो ऐसा कि बड़े बड़े तपस्वियों और ज्ञानियों का मन मोह ले। माँ आर्यम्बा के हर्ष का क्या ठिकाना, लंबी तपस्या का परिणाम जो था ये बालक। पुत्र में असाधारण तीक्ष्ण बुद्धि और स्मरण शक्ति का उदय होते देख पिता गर्व से फूले नहीं समाते थे। देखते देखते बालक तीसरे वर्ष में लग गया। उसने अपनी मातृभाषा सीख ली। सब आश्चर्यचकित थे। 3 वर्ष की आयु में जब सामान्य बच्चे खेल कूद में समय बिताते हैं, बालक शंकर मलयालम के ग्रंथ पढ़ने लगा था। पिता शिव गुरु ने पुत्र का उपनयन संस्कार कराने का निर्णय लिया, लेकिन काल को तो कुछ और ही मंजूर था। शिव गुरु का अकस्मात निधन हो गया। आर्यम्बा के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आर्यम्बा के दुख से मैं भी दुखी रहती। मेरे तट पर स्नान ध्यान करना उनका दैनिक क्रम था। वे मेरी निश्चल गतिशीलता पर मुग्ध थी तो मैं भी आर्यम्बा की पवित्र सादगी पर मोहित थी। लेकिन समय के साथ उन्होंने जीवन का सत्य समझ लिया। माता आर्यम्बा ने अपने पति की इच्छानुसार बालक शंकर का 5 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार कराने का निर्णय लिया। ॐ यज्ञोपवीतमिति मन्त्रस्य परमेष्ठिरिषिः लिङ्गोक्ता देवताः त्रिष्टुप् छन्दः। योग्य उपाध्याय के देखरेख में बालक शंकर का अध्ययन हो, इसलिए उन्हें गुरुकुल भेजा गया। थोड़े ही समय में गुरुकुल के उपाध्याय को बालक शंकर की स्मरणशीलता और विषय को धारण करने की अद्भुत क्षमता का परिचय मिल गया। मानवीय गुणों व प्रखर बुद्धि ने थोड़े ही समय में शंकर को सबका प्रिय बना दिया। अब गुरुकुल के विद्यार्थी अपने गुरु भाई शंकर से अपने मन की बात कहने में सहज अनुभव करते। ऐसे ही एक दिन एक गुरु भाई ने शंकर से कहा, शंकर। बोलो अन्ना। शंकर, उपाध्याय जी हमेशा सत्य की बात करते हैं। हाँ करते हैं, तो पर हमें तो अभी शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है, तब भी क्या हम बालक सत को जान सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुमने नचिकेता की कथा तो सुनी है ना? हाँ सुनी तो है। उसकी आयु भी तो 8 वर्ष की ही थी जब उसने यमराज से पूछा था कि वो सत्य को जानना चाहता है। जानते हो तब यमराज ने नचिकेता को क्या उत्तर दिया था? क्या उत्तर दिया था? यही कि सत्य ही परमात्मा है और वही पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। पर उसे जानेंगे कैसे शंकर? ओम से। ओम से कैसे? ओम ही परमात्मा का सबसे छोटा और प्रिय नाम है। ओम? हाँ ओम। ओम सुनते ही परमात्मा की दृष्टि हमारी ओर हो जाती है। हमारे पूर्वज भी इसी ओम की साधना करते थे, हमें भी ओम की साधना करनी होगी। 7 वर्ष की आयु तक शंकर ने गुरुकुल में अध्ययन किया और वो अनेक शास्त्रों में पारंगत हो गए। अध्ययन पूर्ण कर शंकर घर वापस आ गए। उसके बाद क्या हुआ
सुनिए जगतगुरु शंकराचार्य की अगली कड़ी में, आज के ही दिन आज के ही समय। अभी आप सुन रहे थे सर्वेंट्स ऑफ शंकर फाउंडेशन ऋषिकेश द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जगतगुरु शंकराचार्य, प्रेरणा महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य गिरी, सहयोग कॉल ऑफ धर्म फाउंडेशन, संयोजन रोहन चावला, शोध इंदिरा मोहन, रेडियो आलेख सोमदत्त शर्मा और इसका निर्देशन कर रहे थे हेमंत वर्मा। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकार हैं शैलेंद्र पांडे, विनोद शर्मा, मयूर व्यास, सबीना मलिक, नंदकिशोर पांडे, भाग्यश्री राव, श्वेता पाडवाल, महिमा कछवा, दीप्ति प्रभाकर राणे और नीलम कुमारी। यह कार्यक्रम सर्वेंट्स ऑफ शंकर फाउंडेशन ऋषिकेश के लिए बाबा ऑडियो विजुअल्स मुंबई द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के FM गोल्ड चैनलों से प्रसारित किया गया। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। छह बजकर 43 मिनट और 8 सेकंड 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर आप सुन रहे हैं भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण कार्यक्रम अर्पण। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं उस क्षण की ओर जहां राम नाम की महिमा का गान हम सुनते हैं रामचरितमानस के जरिए। तो आइए मिलकर आनंद उठाते हैं रामचरितमानस की इस अगली कड़ी का जो बाल कांड से ली गई है। सखियां सीता जी को गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में ले आईं, जहां श्री राम को सीता के प्रथम दर्शन हुए। सीता ने भी श्री राम के श्यामल मनोहारी रूप को देखा कि तभी दोनों भाई वाटिका में उनकी आंखों से ओझल हो गए। वो चकित होकर चारों ओर देखने लगी कि राजकुमार क्षण भर में ही कहां लोप हो गए। उसी समय दोनों भाई लता कुंज में से ऐसे प्रकट हुए जैसे बादलों का आवरण हटाकर चांद निकल आता है। दोनों भाइयों के शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभा पा रही हैं। कानों में सुंदर आभूषण, टेढ़ी भ्रुकुटी और घूंघर वाले बाल, रत्नारी आंखों और मुस्कान की शोभा मन को सहज ही मोह लेती है। ये मनोहारी दृश्य देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। तभी एक सखी ने सीता जी से ठिठोली की, पार्वती का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को ही जी भरकर क्यों नहीं देख लेती। सिर से पैर तक श्री राम का सुंदर रूप देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके
सीता जी को अवसाद हो आया। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण कर हृदय में श्री राम की मूर्ति बसाए बिसोरती सीता सखियों समेत पार्वती पूजन को चल पड़ी। जल जाभ शरीरा मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कलीके भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए श्रवण सुभग भूषण छवि छाए विकट भृकुटि हास विलास लेत मन मोरा मुख छवि कहि न जाय मोहि पाहि जो बिलोकि बहु काम न जाहि पुर मणि माल कम्बु कल गीवा काम कलभ कर भुज बल सीवा सुमन समे देखे भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान रघुबीर छ
छवि बाढ़ई प्रीति न थोरी जानी कठिन शिव चाप विसूरती चली राखी उर श्यामल मूरती प्रभु जब जात जान की जानी सुख स्नेह राम नाम रति राम रति राम नाम विश्वास राम नाम रति राम गति राम नाम विश्वास सुमिरत शुभ मंगल कुशल दूहूं दिसी तुलसीदास। जिसका राम नाम में प्रेम है राम ही जिसकी एकमात्र गति है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों लोक में शुभ मंगल और कुशल है। इसी राम नाम का स्मरण हमने किया अभी रामचरितमानस के जरिए बालकांड से ये प्रसंग आपने सुना आज का और अब समय हो रहा है आपसे अनुमति लेने का क्योंकि कार्यक्रम अर्पण अब अपनी समाप्ति की ओर है लेकिन आप जुड़े रहिए 100.1 आकाशवाणी गोल्ड के साथ क्योंकि 7:10 पर आपसे एक बार फिर भेंट होगी मोहि ब्रज बिसरत नाही में। तब तक मुझे यानी पूजा को दीजिए अनुमति और देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ। अब संस्कृत अंग्रेजी और हिंदी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे।